इसका खूबसूरत गुण क्या है, अगर किसी भी महिलाओं को अगर धात लिकोरिया और सफेद पानी का बीमारी है तो लाखों डॉक्टर देखा चुका है मेरे, ये कंटिन्यू 3 महीने यूज कर लिए और ठंडा और खट्टा है क्या एक्चुअल? ये नैपकिन पेडी है छोटा साइज पर डे यूज करने के लिए, चाहे महामारी हो चाहे ना हो पर डे यूज करने के लिए 3 माह अगर यूज कर लेते हैं और अगर वो खट्टा और ठंडा दो चीज छोड़ देता है तो 3 महीना में उसको बीमारी नहीं खत्म हो जाएगा तो पैसा रिटर्न दे देंगे। मेरे 4 साल की उम्र में पापू जी इस दुनिया से छत्रछाया उड़ गया मेरा, तो हम गरीबी को अच्छे से देखे, गांव में पल बड़े पले हुए तो हमको पता नहीं है कि गांव का स्थिति क्या है। मैं एआर बुकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के जो संस्थापक हैं अमलदास जी हमारे बीच में हैं, और ये सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी आखिर इन्होंने क्यों बनाई, क्या उद्देश्य है? खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए मेरा सोचता है कि आज के समय में महिलाओं को आधी आबादी बोला जाता है, मगर आधी आबादी हक उसको कैसे मिलेगा इसका जानकारी हम लोग उस महिला तक पहुंचाते हैं। हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय को मदद करना। अगर कोई मेरे संस्था में अपना स्वेच्छानुसार 100-150 रुपये देकर के मेरा मेंबरशिप बनती है तो प्रथम साल हम उस घर के महिलाओं को पापड़ मोमबत्ती अगरबत्ती ब्यूटिशियन टेलरिंग मशरूम बड़ी नैपकिन पैड सरफ साबुन चूड़ी ये सब बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसके गांव में उसके घर में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। आज़ादी का पहली बार कोई संस्था बनाए हम जो उसके घर पे उसके गांव में ट्रेनिंग कराते हैं। सिर्फ 10 महिला बैठने का जगह होना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार को सरकार के जो नियम है उसको तो हम लोग मानते हैं। सरकार का कोई भी परियोजना आता है तो बोलता है पंचायत भवन में आइए प्रखंड में आइए आप लोग लाभ लीजिए। हमारा उद्देश्य है कि एक महिला के घर में अगर बच्ची है, महिला को घर के काम करना पड़ता है, उसका हस्बैंड को ड्यूटी भेजना पड़ता है, उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, स्कूल को नाश्ता बनाना पड़ता, तब उसके पास समय निकलता है महिला को लिए 2 घंटा। उसके बाद फिर सास ससुर घर में है तो खाना बनाना है। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी, इनका मुख्यालय बोकारो के चेक पोस्ट के कुंवर सिंह कॉलोनी में है। अच्छा एक और बात बताइए, ये जो संस्था है ये गांव देहात में ही एक्टिव है ये शहरों में भी है? सर अभी तक मेरा बिस्वा जिला पूरा झारखंड में चल रहा है काम, पूरे झारखंड में 20 जिला। हाँ 21वां मेरा सिमडेगा है। कितने सेंटर्स होंगे? 21 जिले में 21 सेंटर। अब तक जो है कि कितनी गरीब बेटियों को आपने शादी में सहयोग? देखिए सर हमारा जो मेंबरशिप लेते हैं ना और मेंबरशिप को कंटिन्यू जो करते हैं उनको बेटी के शादी के सिवा और भी काम करते हैं। लड़की को पढ़ने के लिए हम लोग पठन सामग्री भी समय समय वितरण करते हैं, जैसे किताब कॉपी जी कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर अगरा वगैरह ड्रेस नहीं सर, पढ़ने पठन सामग्री। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स होता है, पठन कलम होता है, कॉपी होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, ये सब हम लोग उन लोगों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, कल हम लोग चास के बावरी टोला में अनाथ बच्ची जिसका माँ बाप इस दुनिया में नहीं है उनके वहाँ जाकर के हम लोग 5,000 रुपये हेल्प किए। कांडरा का एक लड़की को हेल्प किए, कसमार के बगदा के 2 लड़के को हेल्प किए, उसके बाद आपका बैरमो जरीडी वहाँ एक लड़के को हेल्प किए। आज सुबह सुबह चंदाहा के रफीक अंसारी जो सरपंच है पंचायत समिति सदस्य है उनके यहाँ जाकर के एक गरीब बच्ची को हम लोग राशन सामग्री दिए। ग्रामीण टीवी के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो अमलदास जी हैं इन्होंने खुद जाकर गरीब बेटियों की शादी में किस तरह सहयोग कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। अच्छा और एक बात बताइए, जैसे कि हम महिला को लेकर आप बात कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती महिला, और कभी उनका अगर पति दुनिया में ना रहा तो पूरी तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जहाँ तक हमको लगता है कि ये सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी है उनको स्वावलंबी बनाती है। जी सर वही तो बोल रहे हैं कि हम अगर ऐसा महिला जितने भी गरीब महिलाएं हैं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के बाद उसको हम लोग पैसा देंगे। अगर आप ऐसा महिला है जिसको परेशानी है, उसको समाज में खड़ा होने का जगह नहीं है, हम लोग जगह देते हैं कि आप
हमारे संस्था में जुड़ करके ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद सामान बना के दीजिए, सामान का मार्केटिंग भी हम करेंगे और आपको इनकम भी देंगे। जब वो सामान उत्पाद करेगी उसका मार्केटिंग आप लोग कीजिए। जी सर। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा काम है सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के तरफ से, कि आपकी बेटियों को ये रोज़गार देंगे, उनको काम सिखाएंगे, वो उत्पाद करेगी और उनका जो है कि ये मार्केटिंग भी कर देंगे, बेचेंगे जिससे वो पैसा होगा। जी, वो अपना अपने आप में, चाहे ऐसा नहीं कि जिसके प्रति मर गया है वो, कोई भी महिला जो मेरा संस्था में जुड़ रहा है। आप गांव में रहते हैं? जी, मेरा घर पलकरी हुआ है। तो गांव के परिवेश को आप अच्छी तरह देखें, वहाँ की स्थिति कैसे लोग जीते हैं, ये आपके रग रग में है। सर, मेरे 4 साल की उम्र में पापू जी इस दुनिया से छत्रछाया उड़ गया मेरा, तो हम गरीबी को अच्छे से देखे। गांव में बड़े पले हुए तो हमको पता नहीं है कि गांव का स्थिति क्या है। बड़ी बड़ी डींग हाँकने से नहीं होता है, जब कोई किसी गरीब बेटी को कुछ भी सहयोग हो, उनकी शादी हो या पढ़ाई लिखाई हो, अगर आप करते हैं तो इससे बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हमारा ये भारत जो है कहीं ना कहीं गांव में बसता है। और बताते रहीम जी, हमारा संस्था में कोई जुड़ गई, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी जुड़ती है, अगर जुड़ गई, अगर उस घर का मालिक का किसी भी कारण अगर दुर्घटनाग्रस्त होने पर मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग तो करोड़पति धीरूभाई अंबानी जैसे और पति करोड़पति में नहीं आते हैं, ठीक है। हम लोग अपना स्तर से 10 किलो चावल हो, 1 बोरा चावल हो, 1 महीने का सामान, राशन का सामग्री भी उसके घर में पहुंचाते हैं। हम लोग इस साल स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे गांव-गांव में, अगर सरकार हमको हेल्प करेगी। हम ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी किए हैं कि आप अपने ज़िले के सिविल सर्जन को बोल दीजिए, झारखंड के सभी ज़िलों में जहाँ जहाँ हमारा काम चल रहा है, हम वहाँ से डॉक्टर लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट दवा बांटने का काम करेंगे। तो आप सरकार का जो आदेश होगा मानेंगे, एक चिट्ठी दे चुके हैं। दूसरी बात सर है, अगर महिला उत्पीड़न होता है तो हमारे संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अगर किसी महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा हो तो ये संस्था वाले आप लोग चले जाते हो? जी, हमारा महिला टीम है ना, महिला टीम जाते हैं मेरा। उसके बाद और काम क्या करते हैं कि किसी के घर में अगर आग लग गए, अगर मेरा कोई एसोसिएट या तो कोई जो मेरा मेंबर में जुड़ती हैं, अगर उनके कोई हॉस्पिटलाइज हो गए, तो हम लोग वहाँ जाकर भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। ये पेपर क्या है जरा दिखाइए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, हमारा संस्था के ओर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, खासकर ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण आदमी को एक 1 क्लास का बच्चा से लेकर के 65 साल तक महिलाओं को, या तो आदमी को या तो नागरिक को फोटो की आवश्यकता पड़ती है। जो फोटोग्राफर होता है उनके वहाँ जाएंगे तो 50 रुपये में 8 पीस 6 पीस फोटो देता है। हमारे संस्था मेरे सहयोगी के द्वारा उस गांव में कैंपिंग करते हैं, उस कैंपिंग के माध्यम में उसको 60 रुपये में हम लोग 46 पीस फोटो देते हैं। 60 में 46 फोटो। साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर स्वास्थ्य कार्ड देते हैं, इसका 1 साल का वैलिडिटी रहता है। 1 साल के अंतर्गत उस जो मेरा फोटो बनाया, उस इंसान का, उस नागरिक का अगर शारीरिक किसी भी कारणवश अगर शरीर का कोई भी अंग चोटिला हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो हमका उसका खर्चा का 50% देते हैं। साथ एक सम्मान पत्र देते हैं, उस गांव का मुखिया हो, उस गांव का सरपंच हो, उसके साथ ये सम्मान पत्र भी हम लोग देते हैं। मुखिया सरपंच के साथ सम्मान पत्र? जी। इनका क्या उद्देश्य? इसका ये उद्देश्य कि जैसे मान लो इन इंसान ने फोटो बनाया है, इसके साथ उस टाइम कौन मुखिया था, अगर मान के चले खुदा न खास्ते इस दुनिया से 10 साल बाद 20 साल बाद अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी उसका एक प्रमाण रह जाता है कि हमको ये सम्मान पत्र मिला था सुकन्या ट्रस्ट की ओर से। उसके बाद भी जिस पंचायत में मेरा 2000 इस तरह का फोटो बन जाता है, उस गाँव को मुखिया को हम लोग 10 स्ट्रीट लाइट देते हैं कि उस स्ट्रीट लाइट अपने चौक चौराहा में आप लगाइए, आपके सहयोग से मेरे इस काम आपके पंचायत में 2000 मेंबर का फोटो बना। उसके साथ भी उस मुखिया को हम लोग सम्मान भी करते हैं। यानी सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी का बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, गरीब बच्चियों को जो है कि ट्रेंड कर रही है, उन्हें रोजगार से जोड़ रही है, ये बड़ी बात है।
और मैं तमाम ग्रामीण टीवी देखने वाले सुनने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि लगातार वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। और सर, नारी सुरक्षा मिशन हम लोग एक परियोजना चलता है, वो तो चल गया, वो तो फोटो वाला बताया आपको कि मेरी गांव मेरी पहचान तिरंगा मेरे शान, और मेरी स्कूल मेरा पहचान तिरंगा मेरे शान, स्कूल को भी हम लोग जोड़ते हैं और गवर्नमेंट को जोड़ते हैं। अब नारी सुरक्षा मिशन के लिए नारी स्वस्थ हो, नारी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि महामारी नारी का बहुत बड़ा एक प्राकृतिक देन है, उनको देखते हुए हम लोग नैपकिन पैड भी नारी को कम दामों में अच्छा क्वालिटी का, जिससे उसको बीमारी से बचाया जा सके, इसके तहत हम लोग नारी को भी घर घर में डॉट टू डॉट करके इस तरह का नैपकिन पैड। ये इतना खूबसूरत जी, ये एक एक पैकेट में कितना? 6 पीस रहता है, 6 पीस का दाम मात्र 42 रुपीस, 42 रुपया में। मार्केट का नैपकिन पैड अगर आपका पर डे महिला 2 यूज करते हैं, तो हमारी संस्था की ओर से जो नैपकिन पैड दिया जा रहा है, ये एक काफी है पूरा दिन भर के लिए, एक काफी है 12 घंटा के लिए। साथ साथ में अगर कोई माता बहने कहीं जा रहे हैं या तो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और उसका पीरियड चल रहा है, तो एक लगा के 12 घंटा रह सकते हैं। इतना खूबसूरत जो है कि नैपकिन पैड बोलते हैं ना, जी जी जी, महिलाओं के लिए। और साथ साथ में हम लोग जो पेंटिंग लेयर्स देते हैं, इसका खूबसूरत गुण क्या है, अगर किसी भी महिलाओं को अगर धात लिकोरिया और सफ़ेद पानी का बीमारी है, तो लाखों डॉक्टर देखा चुका है, मेरे ये कंटिन्यू 3 महीने यूज कर लिए, और ठंडा और खट्टा है क्या एक्चुअल? ये नैपकिन पेडी है छोटा साइज, पर डे यूज करने के लिए, चाहे महामारी हो चाहे ना हो, पर डे यूज करने के लिए 3 माह अगर यूज कर लेते हैं, और अगर वो खट्टा और ठंडा दो चीज छोड़ देता है, तो 3 महीने में उसको बीमारी नहीं खत्म हो जाएगा, तो पैसा रिटर्न दे देंगे गारंटी के साथ। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 3 महीना अगर इस नैपकिन पैड को अगर यूज़ करें, आपके पास जो भी है सफ़ेद पानी वगैरह ना कुछ बोल रहे हैं, तो धात वगैरह अगर कुछ भी जाता है, तो ये नैपकिन पैड का इतना क्वालिटी है कि ये उस बीमारी को जो है कि दूर भगा देता है, अगर ठीक नहीं होगा तो पैसा वापस भी किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है और बहुत शानदार वर्क है सुकन्या सामाजिक। इसको भी महिला बेच करके अपना रोजगार कर सकती है, अपने गांव में अपने घर में बना सकती है, वो बनाने के लिए दूसरा बनाते हैं, ये हमारे पैकिंग होके आता है, इसको अगर सेल करें, इसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि कोई किसी गांव में कोई महिला सदस्य बनी, हाँ? तो उसको आप ये चीज अवेलेबल कर देंगे, वो बेचे जी, उससे भी उसको पर डब्बा में 6 रुपया 7 रुपया की इनकम है, अगर 1000 मेंबर कर लिया तो महीना में 7000। बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ बताइएगा? और सर क्या बताएंगे, आज 2019 से लेकर के लगातार संस्था कम से कम 1500 बच्चे को शादी में हम लोग हेल्प कर चुके हैं अभी तक, 1500 बच्चे को। तो ये थे सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक अमल दास जी। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आइए बोकारो का चेक पोस्ट में, पता कीजिए कि सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, वहाँ पर आकर आप जुड़ सकते हैं, रोजी रोजगार का साधन जो है कि अपना सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। अंत में हम आपके माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्था को चलाने के लिए यथासंभव मदद कर सकते हैं, और संस्था में जुड़ करके संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको लाभ ले सकते हैं, यही मेरा निवेदन रहेगा। जो भी झारखंड के खास करके समृद्ध लोग हैं, वो इस संस्था में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य ही है कि गरीबों की मदद करना। और अच्छा, हमारे सरकार से कुछ बोलेंगे ग्राम? अभी तक हमको सर सरकार कोई हेल्प नहीं किया, हमने विभिन्न विभागों में चिट्ठी दे चुके हैं, मेरे वर्क के बारे में बताए हैं, अब सरकार का मर्जी होगा तो देगा, नहीं होगा तो हम लोग जैसे जैसे चल रहे हैं चला रहे हैं, लाभ देते जा रहे आदमी को, इसी तरह हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार का हर पॉइंट का हम लोग सरकार को आगे आना चाहिए। अब देखिए सरकार का मर्जी है सर, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये सरकार की मर्जी है ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है कि गरीब निसहाय बच्चियों को जो है कि स्वावलंबी बनाना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों का, छोटा भाई का ये रिपोर्ट।
अगर अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि और हम इस तरह के कुछ अनछुए वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जहां आपको बेनिफिट होगा और आप भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी तरह इनका एड्रेस भी हम बता चुके हैं। फिलहाल लेते हैं विदा आप लोगों से। जय झारखंड, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।